चार महिन्यानंतर पाण्यामुळे लोकांचं नुकसान. मला आश्चर्य वाटतं या व्यक्तीच. संपूर्ण देशामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावरची लोकप्रियता आणि एक सेलिब्रिटी म्हणून असताना जे जे आपकी तरफ से जो भी आप कर रहे हम सब लोग पूरे महाराष्ट्र में तहे दिल से आपके साथ होंगे, इतना कहते हुए आपका अंदर के दिल से स्वागत करते हुए मैं विदा लेना चाहूंगा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शांतिलाल जी मुखा. मित्र, जैसे अभी मुखा जी ने कहा, 2013 में जब महाराष्ट्र में अकाल हुआ तब भारतीय जन संगठन ने इस अकाल को दूर करने के लिए, लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए बीड जिले में पानी, राज्य सरकार ने 12,000 गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया है. मराठवाड़ा के बीड जिले में छोटे बड़े सैकड़ों तालाब 40-50 वर्ष पूर्व बनाए गए. जब से ये तालाब बने हैं तब से आज तक इन तालाबों की सफाई का काम किसी ने भी नहीं किया, जिसके फलस्वरूप तालाब में गाढ़ या सिल्ट जमा हो गया. इससे तालाब में पानी जमा होने की क्षमता कम हो गई तथा पानी का जमीन में रिसाव न होने की वजह से कुएं एवं बोरवेल सूखने लग गए. ऐसे समय में भारतीय जैन संगठना के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शांतिलाल जी मूथा ने 26 फरवरी 2013 को कार्यकर्ताओं की एक सभा में अकाल पीड़ितों की मदद करने का निर्णय लिया. भारतीय जैन संगठना ने बीड जिले के 100 तालाबों की सफाई का कार्य एक महीने में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया. पूना की प्रोफेशनल एजेंसी प्राइमो की मदद से इन तालाबों के सर्वे का काम शुरू किया गया. गांव-गांव में स्थानीय लोगों की सभाएं आयोजित की गई, लोगों से चर्चा की गई और ऐसा तय किया गया कि भारतीय जैन संगठना अपने खर्चे से जेसीबी और पोकलैंड लगाकर गाड़ निकालने का कार्य करेगा तथा गांव के लोग ट्रैक्टर द्वारा ये गाड़ स्वयं ले जाकर अपने अपने खेतों पर डालने की व्यवस्था करेंगे. इस महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम देने के लिए श्री शांतिलाल जी मुथा स्वयं एक माह के लिए बीड जिले के डोंगर की ही गांव में जा बैठे. गांव गांव घूमना. आपले मनापासून मी आभार मानू इच्छितो. हा आमच्यासाठी खूप महत्वाचा दिवस आहे आणि माझ्यासाठी खूप महत्वाचा क्षण आहे. साधारणपणे 1.25 वर्षापूर्वी माझी पहिल्या प्रथम श्रीयुत शांतिलाल मुथा यांचं दर्शन झालं, दर्शन घडलं. त्याचं कारण मी तुम्हाला सांगतो की आणि गजाननच्या आठवणाबद्दल त्याला थोडी आवश्यकता किंवा नेमकं आठवण राहील की काय, पण मला वाटतं नाव सांगितलं तरी खूपच आहे. गजानन बिदुळे आणि आबा लाड यांनी कोरेगाव तालुका सातारा जिल्हा प्रत्यक्षात तालुक्याच्या ठिकाणावरती ही टीम असते. दैनंदिन पातळीवर दिवस रात्र ही टीम असते. म्हणजे आम्ही जरी मुंबईत असलो, आम्ही झोपलेलो असलो तरी ही टीम जागी असते आणि या टीमच्या बळावर हे सगळं काम झालं. त्यामुळे पुढे जाऊन बीजेएसचे कार्यकर्ते यांना फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आपला तालुका कोऑर्डिनेटर राहील आणि प्रत्येक तालुक्याचा कोऑर्डिनेटर याची ओळख आपण करत राहू जसजसे तालुके निश्चित होतील. त्यानंतर आपल्या इथे मध्ये जे आहेत हे आपल्याला नवीन आपल्याला जॉईन झालेले आहेत, पण त्यांचा अनुभव खूप जुना आहे. हे भगवान आहेत, म्हणजे तसे देव आपल्या बरोबर असतातच पण त्यांचं नाव भगवान आहे.
आप थोड़ा पीछे नहीं सर, आपके साथ नहीं, आपके घर भेज देंगे सो दैट ये यादगार आज के इस, जैसे डॉक्टर पोल ने कहा कि एक अनूठा संगम है, ये यादगार आपके पास है, इसके लिए ये म्यूरल आपको हम समर्पित करते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि अभी यहां पर आकर हमसे बात करें, एक फूलों के टोकन से आदरणीय मुखर्जी आमिर का स्वागत है। मैं थोड़ा पहले से शुरू करता हूँ। सत्या और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, हम लोग स्कूल में जाते थे और स्कूल में ये क्लास में फर्स्ट आते थे और मैं लास्ट आता था। पता नहीं कैसे हमारी दोस्ती हो गई। नॉर्मली जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं उनको हमारे जैसे लोगों को ज्यादा ध्यान देते नहीं होते, तो वो एक दफा उन्होंने शतरंज के लिए हारे तो उनको लगा कि अच्छा हमारी दोस्ती बड़ी। और जब हम दसवीं से बाहर आए तो क्लास में होता ना कि यार ये जो दो चार लड़के हैं, पांच लड़के हैं, ये इनका भविष्य तो बहुत अच्छा रहेगा, ये कुछ भी बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, कुछ भी। बाकी लोगों का पता नहीं होता क्या होने वाला है, तो मैं उनमें से मैं वो था जिनका कुछ किसी कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे। सत्या वॉज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट with the brightest future, और कॉलेज से निकल के हम लोग जब स्कूल से निकल के जब हम कॉलेज हमने ज्वाइन किया तो थोड़ी हमारी जिंदगी थोड़ी अलग हो गई। हम लोग पहले तो रोज मिलते थे स्कूल में, अब वो अलग कॉलेज में थे, रूपरेल कॉलेज में, जहाँ मुझे एंट्री नहीं मिली थी। तो थोड़ा हमारी जिंदगी अलग हो गई और हम लोग मिलते रहते थे। और मैंने देखा कुछ समय के बाद के सत्या जो साइंस में था, रूपरे में था, उसने अपना कोर्स चेंज करके आर्ट्स में आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। और कॉलेज के दौरान ही वो सोशल वर्क की तरफ उसका झुकाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, विषयों पर घूमने लगा। और जैसे जैसे मेरा करियर आगे बढ़ता गया, मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं हर साल हम कुछ पैसे डोनेट करते थे लेकिन उससे मन नहीं भरता था और मुझे लगा कि मुझे कुछ अपने आप कुछ करना चाहिए, ये मेरे अंदर इच्छा जागी और मैं सोचता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर मुझे समझ में आया कि एक्चुअली जिस फील्ड में मैं हूँ वो फील्ड है कम्युनिकेशन का, लोगों के दिल तक आप पहुँच सकते हो, तो मुझे इस फील्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। जो मैं योगदान करूँ मैं इस फील्ड में रह के योगदान करूँ, ये धीरे धीरे मतलब मेरे माइंड में आया। और फिर एक दिन मेरे माइंड में आया टीवी शो के बारे में, जो मुझे कामयाबी मिली है, जो लोकप्रियता मिली है, मैं उसका सही इस्तेमाल करूं, जो अलग अलग विषय हमारे समाज में है, हमारे सामने, उसके ऊपर हम रोशनी डालें, उसको मैंने खुद समझे फिर रोशनी डालें उसमें। तो ये सब जब धीरे धीरे होने लगा और मैंने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ मुझे टीवी का एक शो करना है, तो मैंने सत्या को बुलाया और सत्या को मैंने बुलाया और मैंने कहा कि मैं ऐसे से सोच रहा हूँ और आप अगर मेरे साथ आएंगे तो ही मैं ये करूँगा। क्योंकि जब मैं टीवी शो कर रहा हूँ तो मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो जो मेरा दिमाग खुद होगा, जो मेरी आंखें होगा, जो मेरे कान होंगे, जो मेरी जबान होगा और जिस पे मुझे पूरा भरोसा होगा उसकी इंटेलिजेंस पर, उसकी इंटेग्रिटी पर, उसके परसिवियरेंस पर, क्योंकि फील्ड में मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर मुझे 100% हर एंगल से भरोसा, और वो आप ही हो। अगर आप ना बोलोगे तो मैं ये नहीं करने वाला हूँ। तो लकीली सत्या जी उस वक्त उन्होंने एक नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी लेकिन वो छोड़ के उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग करते हैं। सत्य में जाते जब हमने किया प्रोग्राम, हमने कई साल पहले रिसर्च किया, फिर
रुपए पर्दे के ऊपर तो हमने आपकी बहुत सारी बातें देखी, वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड रहता होगा, लेकिन यहां पर जब आप बात कर रहे थे, मन से बात कर रहे थे, दिल से बात कर रहे थे, हमारे नहीं, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आप लोग मुझसे मिलने आए, क्योंकि जब शांतिलाल जी से हमारी बातचीत हो रही थी, शांतिलाल जी ने कहा कि जो हमारा जैन भारतीय जैन संगठन है उसके सारे लोग आपके साथ रहेंगे, और मैंने कहा लेकिन मैं उनको मिल सकता हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे माइंड में वो साथ में रहेंगे वो मुझे समझ में नहीं आता। अदरवाइज भी हमें बहुत कुछ मालूम है, लेकिन ये वाला विषय, पानी का विषय, ये वाले विषय में हम लोग फील्ड के ऊपर बहुत काम किए। आदरणीय मुथा जी के साथ में 30 साल से कर रहा था, जो आवाज मुथा जी ने लगा दी उस पर तन मन धन जान निछावर करने वाली ये टीम। पानी के विषय में जो काम करना है, क्या काम है, कैसा काम है, क्या करना है, हमसे अपेक्षा क्या है, कई सारे प्रश्न हमारे मन में हो रहे होंगे। मैं चाहूंगा प्रदीप जैन इस कॉर्नर पे खड़े हो जाएं और अभय मनोज उस कॉर्नर पे, ये दोनों पैसेज के कॉर्नर पे, और आमिर जी से डायरेक्ट जिसको प्रश्न कर रहा हूं, कॉर्डलेस माइक उधर हाथ में देना दोनों, आमिर जी से डायरेक्ट प्रश्न पानी के विषय के काम को लेकर जो करना हो, मेरा निवेदन है कि वे वहां से खड़े रहकर अपने अपने प्रश्न पूछें, और आमिर जी से निवेदन है कि वो प्लीज आए और हमारे प्रश्नों को, जिनको आपको योग्य लगे कि ये प्रश्न में जवाब दें प्लीज। एक्चुअली मैं सत्या और डॉक्टर पोल को भी यहां बुला लेता हूं, क्योंकि आप हम सबको सवाल पूछ सकते हैं जिसको आपको पूछना है। मैं चाह रहा था कि हमारे सर, जरा जरा संभाल, नहीं नहीं